हमारे साथ अरमान है तैयार बताने के लिए एक सेक्टर और कुछ स्टॉक्स पर बेहतरीन रिसर्च। अरमान बताइए। जी सर, सर सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर। ओके, और इन पर आपको फोकस रखना है। उसका रीजन ये है कि अगर आप पिछले एक दिनों में देखेंगे, पिछले एक दिन में जो इंटरनेशनली आप यूरिया के भाव हैं, यूरिया के भाव लगभग 7% बढ़े हैं, और अगर पिछले एक हफ्ते में देखेंगे तो 18-20% बढ़ते हुए दिखे हैं। अब आपको कंपनियां कैसी फर्टिलाइजर, सारी कंपनियां स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर और अन्य जैसी ऐसी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, इन पर फोकस रखना है। अगर आप यूरिया के इंटरेस्टेड भाव, जितना भी जो यूरिया का भाव जो होता है वो होता है सब्सिडाइज्ड होता है, मतलब हम जो फार्मर्स को देते हैं वो सब्सिडाइज भाव पर देते हैं, पर जो इंटरनेशनल भाव और जो सब्सिडाइज भाव होता है उसका डिफरेंस होता है वो इन कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर मिलता है। तो चंबल फर्टिलाइजर का अगर आप कुल आय देखेंगे तो उनकी 68% आय यूरिया से आती है। उसी में अगर आप FY22 में देखेंगे तो उनकी जो कुल आय है उसका लगभग 70% जो आय है वो गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसी के साथ साथ अगर नेशनल फर्टिलाइजर को भी देखेंगे तो उनकी भी 68% आय लगभग 3 केमिकल्स हैं जिसमें यूरिया भी है उससे आती है। तो ओवरऑल जब इंटरनेशनली यूरिया के भाव बढ़ते हैं तो इन कंपनियों के लिए गवर्नमेंट से ज्यादा सब्सिडी मिलने के लिए इनका फायदा हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए, विदेशों में यूरिया के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे जो कंपनियां हिंदुस्तान में यूरिया प्रोड्यूस करती है उनके लिए बड़े फायदे की बात है। यानी कि भाव तो यहाँ पर मेंटेन रहेंगे, सरकार का yes, इरादा है कि जो किसानों को आप जिस भाव में बेचते उसी भाव में बेचते yes, वो आप बढ़ा नहीं सकते yes, लेकिन इनको सब्सिडी बढ़ जाएगी सब्सिडी तौर पे। इसीलिए सर इनके अगर आप किसी भी कंपनी की इनके एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लगभग 70-80% इनके आय सब्सिडी रेवेन्यू रहती है, सब्सिडी से ही आती है yes, सर। तो सब्सिडी बढ़ती हुई दिखेगी, यानी कि इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव बढ़ रहे हैं उसका फायदा बढ़ती हुई सब्सिडी के तौर पर बढ़ेगा, भले यहाँ पर भाव मेंटेन रहे। कितने भाव यूरिया के बढ़े हैं कुछ एक अंदाज दीजिए सर। कुछ टाइम पहले 266 पर बैग था यहाँ पर जो ये दे रहे थे, और अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो वो 4000 के आसपास थे, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी 3700 की सब्सिडी दे रही थी। ओके, तो अब सब्सिडी कितनी बढ़ी, 3700 पर बैग। यस सर, माय गॉड। अच्छा, और किसानों को तो सब्सिडी देनी देनी है, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। तो चंबल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा फायदा आपके हिसाब से yes, सर, चंबल उसके अलावा NFL, RCF ये सारे स्टॉक है। NFL तो मेरे ख्याल से आज सुबह हाँ सुमित जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था। सुमित जी, NFL पर मैं आपके पास आ रहा हूँ और साथ ही RCF के चार्ट भी आप देख कर रखिएगा, लेकिन चंबल ये स्टॉक इसके लिए भी काफी जबरदस्त एक्शन वाला स्टॉक है, स्टॉक लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। जरा एक बार चंबल के चार्ट पर भी राय ली जाए। पालिया साहब, चंबल फर्टिलाइजर देखिए सर जी, फर्टिलाइजर स्पेस में जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना, और हमें लगता है चंबल में जिस तरीके के सेटअप बने, एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बन रही है, अब स्टॉक अपने 50-day मूविंग एवरेज, 100-day मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी लोअर साइड से चंबल में बनी हुई है, स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन के आना चाहिए करीब 380-385 तक आते हुए दिख सकता है, तो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 344 के आसपास, 385 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ओके, तो चंबल पर रखिए नजर। अनिल जी, दो और लोगों ने चंबल रेकमेंड किया है, मोदी जी हैं जिनसे मैं अभी व्यू लेता हूं, और आपकी भी रेकमेंडेशन लिस्ट पे था 26 अगस्त को, पिछले फ्राइडे बेसिकली 336 के लेवल पर रेकमेंड किया था। 355 का पहला टारगेट था जो हिट हो गया है, उसके ऊपर है इस समय स्टॉक, और 375 का दूसरा टारगेट था इसके लिए, और उसके लिए होल्ड करना चाहिए, बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। ये तो इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा लेके डिले लेके छोड़ दो, आपको अगर 6 महीने में 20% के रिटर्न आते क्या बुरे हैं। एग्जैक्टली, है ना, मतलब और आराम से शांति से बिना कोई तनाव के ग्लोबल मार्केट ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो करेगा। और आपके भी टारगेट की तरफ जा रहे हैं मोदी जी, 358 का पहला टारगेट था, उससे ज्यादा दूर नहीं, इनफैक्ट 358 का आज हाई बना है, तो आपका भी पहला टारगेट हिट, क्या करना है सर चंबल पर? जी बिल्कुल, होल्ड करके चलना है। 11 अगस्त को ये हमारा एक स्पेशल पिक के तौर पर हमने रिकमेंड किया था, और यही कहा था कि ये इसको 360 से पहले बेचना नहीं है, और आप देखिए 360 के आसपास ही काउंटर अप ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चार्टिकली बड़ा साउंड है, 360 रुपए पर रिव्यू लेना है, क्योंकि 360 पर नए क्लाइंट का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं यहाँ से 30 रुपए और ऊपर के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो ओवरऑल कोई बड़ी बात नहीं है। 400 रुपए तक के भी अपसाइड मूव सेप्टेम्बर सीरीज में चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिले, कोई भी डिप चार्ट्स में देखने को मिलता है, डेफिनेटली एक बाय करके चलने की सलाह होगी। 360 को अगर होल्ड कर लिया तो ये मान के चलेंगे सेप्टेम्बर सीरीज में 400 तक के अपसाइड मूव चंबल फर्टिलाइजर में नजर आते हैं। ओके, तो चंबल पर रखिए नजर। आरसीएफ और एनएफएल, सुमित जी आप चार्ट देख रहे हैं, जरा बताएं सर। दीपांशु देखिए, इन स्टॉक्स के अंदर एक ही करके ब्रेकआउट आ रहा है, ये जितने भी फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स हैं इनके अंदर आज और आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, चाहे फिर वो मद्रास फर्टिलाइजर हो, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर,
आरसीएफ, एनएफएल, इन सभी स्टॉक्स के अंदर आप देखिए 3-3, 4-4% का मूव आ चुका है और अभी और 5-10% का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा और अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो ये रैली कंटिन्यू होगी। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि 5-10% का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों के अंदर इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर, दोनों पर रखें नजर। पूरा फर्टिलाइजर पैक ही बेसिकली आपको इस समय अच्छी मूव दिखा रहा है।